सारे ही मामले को अनछुआ बना दिया, सारे ही मामले को अनछुआ बना दिया, खाई बना के पास में कुआ बना दिया। इससे पहल की वो मुझे मामा जी बनाती, मैंने उसे मोहल्ले की बुआ बना दिया, मैंने उसे मोहल्ले की। इसरा ख्यालात सुन होगी बरसात, उसी जज्बात में नहाता चला जाऊंगा, हृदय की लय पर होकर अभय यहाँ जय को उदय पर लाता चला जाऊंगा, जय को उदय पर लाता चला जाऊंगा। कलियों से डालिया, कविता से तालिया, जीजा जी से सालिया मिलाता चला जाऊंगा। कलियों से डालिया, कविता से तालिया, जीजा जी से सालिया मिलाता चला जाऊंगा। ऐसा सुनोगे तो ऐसा, वैसा सुनोगे तो वैसा, जैसा जैसा सुनोगे सुनाता चला जाऊंगा, जैसा जैसा सुनोगे सुनाता चला जाऊंगा। चिंता ता चिता चिता चिंता ता ता, चिंता ता चिता चिता चिंता ता ता, चिंता ता चिता चिता चिंता ता ता, चिंता। जब तक ताली नहीं बजाओगे तब तक तो यही गाऊंगा। अद्भुत अद्भुत, चिंता ता चिता चिता चिंता ता ता। सर आप ही बजाइए, आपको क्या लग रहा है मजाक कर रहा हूं? मैं रात भर गाऊंगा, भले ही मेरी ट्रेन छूट जाए पर मैं रात भर। गजब शानदार। चिंता ता चिता चिता चिंता ता ता, आनंद लीजिए, कोई तनाव वाली बात नहीं। उत्तर प्रदेश में खड़े हम, आपके यहाँ पे चुनाव हो चुके हैं, हमारे यहाँ चुनाव आ गए हैं राजस्थान में। पहले मैं आपका चुनाव परिणाम गाता हूँ, हमारे वहां का जब आएगा तब आप एक कार्यक्रम और करवाना, तब वहां का गाऊंगा। क्या है मतलब उत्तर प्रदेश का चुनाव परिणाम देखिए। भाई जिताने को बहना चली थी, भाई जिताने को बहना चली थी, भाई तो भोला और बहना भली थी, योगी 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 है उत्तर प्रदेश में, हाँ योगी योगी है उत्तर प्रदेश में। तो योगी जी से पूछा पत्रकारों ने, अब और सुनते जाए मजा आएगा। आराम से योगी जी से पूछा पत्रकारों ने, आप दूसरी बार मुख्यमंत्री बने, आपको कैसा लग रहा है? तो योगी जी ने एक गाना गाया, वो आप तक पहुंचा जी। ईवीएम का बटन दबा के ये जनता मुझे बोली, ईवीएम का बटन दबा के ये जनता मुझे बोली, योगी हमने भर दी तेरी झोली, मेरे सर आंखों पे जनता के जनादेश की रोली, देखे गठबंधन वालों की टोली, माँ बेटे है खफा और बसपा भी सफा, माँ बेटे है खफा और बसपा भी सफा, पंजाब में सिद्धू उदास है, बाकी सब फर्स्ट क्लास है, बाकी सब फर्स्ट क्लास है। चिंता ता चिता चिता चिंता ता ता, चिंता ता। देखिए हिंदुस्तानी आदमी को पता लगाना आता है, पता कैसे लगाया जाता है मैं आपको बताता हूं। स्वागत। क्योंकि हम राजस्थानी क्या कि 8 बजे बाद नहीं लगा सकते, इसलिए यो हसीना अपने दुपट्टे को संभाल जा रहा, लोग यहाँ प्रेम के निशान ढूंढ लेते हैं। ओ हसीना अपने दुपट्टे को संभाल जा रहा, लोग यहाँ प्रेम के निशान ढूंढ लेते हैं। हर महीने बदल लेता हूँ मकान पर मेहमान, फिर भी मकान ढूंढ लेते हैं मेहमान, फिर भी मकान ढूंढ लेते हैं। मेले में दुकानें तो हजारों लगती है पर, मेले में दुकानें तो हजारों लगती है पर, लोग यहाँ काम का सामान ढूंढ लेते हैं। और भैरू जी के मंदिर का पता पूछ कर लोग यहाँ पर दारू की दुकान ढूंढ लेते हैं। बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छे। बैठो भैया अपने ही कार्यक्रम में बैठो, बैठो यही है। एक तो आप लोग रिकॉर्डिंग कर रहे हो ना, तो ताली नहीं बजा रहे हो, ये रिकॉर्ड हो रहा ना यहाँ पे, फिर यूट्यूब पे सुन लेना,
इसलिए आप ताली नहीं बजा रहे, क्योंकि देखिए मैं देख रहा हूँ जो नौजवान है वो तो बहुत अच्छे से ताली बजा रहे हैं, जो बुजुर्ग हैं वो थोड़े से निराश हताश बैठे हैं। ऐसा नहीं करना। मैं चार पंक्तियां बुजुर्गों के लिए लाया हूं। जो 60 साल के ऊपर हैं उनको अगर ऐसा लग रहा है कि उनके जीवन में निराशा है तो बिल्कुल निराश नहीं हूं। मैं इस मंच से खड़े होकर एक नाम लेना चाहता हूं। लगे आपको कि नाम ठीक है और 60 साल के बाद जीवन ऐसा ही जीना चाहिए तो फिर उस नाम पर आपकी तालियों की मुहर लगे। मैं पढ़ता हूं। स्वागत। उड़ते रहो हवाओं में कपूर की तरह। हाँ। उड़ते रहो हवाओं में कपूर की तरह, बजते रहो फिजाओं में संतूर की तरह, मुरझाए हुए फूल पे आएंगी तितलियां। इंजॉय कीजिए शशि थरूर की तरह, इंजॉय कीजिए। कमाल है, कमाल है। आइए प्रदीप जी। प्रदीप जी कि ये माला इस बात की आश्वस्ति है। हाँ। नहीं तो अरे वो जिसका नाम था तो वो तो आएगा ही सही ना चिपक के। वाह। चिंता ता चिता चिता चिंता। अच्छा जो जो नौजवान बैठे उनके लिए भी चार पंक्ति जी आनंद के साथ सुनिए। स्वागत। चौथी पंक्ति में समाधान है। करना क्या है आपको? मैं अपने जीवन में कर चुका हूं, कुंवारों के लिए है, आप भी कर देना अगर आपको लगे तो। टाइम आए तो कर देना चाहिए। स्वागत। सारे ही मामले को अनछुआ बना दिया। हाँ। सारे ही मामले को अनछुआ बना दिया, खाई बना के पास में कुआ बना दिया, इससे पहल की वो मुझे मामा जी बनाती। हाँ। मैंने उसे मोहल्ले की बुआ बना दिया। हाँ। मैंने उसे मोहल्ले की बुआ बना दी। वाह। अच्छा मैं चार पंक्तियां पढ़ता हूं, आप चार पंक्तियां पढ़ता हूं। धोखेबाज प्रेमिका के पति को चार पंक्तियां। धोखेबाज प्रेमिका के पति को चार पंक्तियां जी। और प्रेमी जो है वो गीतकार है और विष्णु सक्सेना जी का फैन है। बहुत तगड़ा वाला फैन है। अब वो चार पंक्तियां गा रहा है उस प्रेमिका के पति को, वो चार पंक्तियां गा के दे रहा है। ये अद्भुत। अब वो विष्णु सक्सेना जी की तरह गा रहा है। आप लोग आनंद लीजिए जी। मैं आप ही स्वागत। ये भरम था तुम्हारा तुम्हारा रहा, ये भरम था तुम्हारा तुम्हारा रहा, गुजरे लम्हों में ये ही गुजारा रहा, जिसको लेकर के तुम फिर रहे इन दिनों, नारियल ये रियल में हमारा रहा। कमाल है भाई, कमाल है। पांच जिंदाबाद जिंदाबाद। फिर से हो जाए। देखो यहां भी वंशमर हो रही है आप। मैं पढ़ तो दूंगा लेकिन आप लोग संभाल लेना बात जैसे अभी है। तालियां आपकी थोड़ी ज्यादा चाहिए। कमाल है। ये भरम था तुम्हारा तुम्हारा रहा, गुजरे लम्हों में ये ही गुजारा रहा, जिसको लेकर के तुम फिर रहे इन दिनों, नारियल ये रियल में हमारा रहा, नारियल ये रियल में हमारा रहा, चिंता ता चिता चिता चिंता ता ता चिंता।